2007 में जब हार्ली डेविडसन को पहली बार भारतीय मार्केट में एंट्री लेनी थी तो भारत सरकार और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच आम की डील हुई थी। हेलो राइडर्स, यह था रूटेड शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में हार्ली डेविडसन की इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में। साथ ही हम हार्ली डेविडसन की उन बाइक्स को भी डिस्कस करेंगे जो भारत में सबसे ज्यादा बिकती हैं। सो लेट्स बिगिन। अर्ली 2000s में भारतीय मार्केट के बढ़ते ग्लोबलाइजेशन के साथ अमेरिकन मोटरसाइकिल कंपनी हार्ली डेविडसन ने भी इस ह्यूज मार्केट के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना चाहा। भारत से अमेरिका में आम एक्सपोर्ट करने के एक्सचेंज में हार्ली डेविडसन को भारतीय मार्केट में एंट्री मिली, लेकिन हैवी टैक्सेस, 60% इम्पोर्ट ड्यूटी और स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म्स की वजह से हार्ली डेविडसन को भारतीय मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने में और 3 साल लग गए। 2010 में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद और चंडीगढ़ में शोरूम्स खोलने के साथ हार्ली डेविडसन ने पहली बार अपनी बाइक्स भारतीय कस्टमर्स को ऑफर की। छह लाख से 35 लाख तक की प्राइस वाली ये बाइक्स आम भारतीयों के बजट से बाहर थी। सिर्फ सेलिब्रिटीज और कुछ अमीर लोग ही हार्ली डेविडसन की बाइक्स अफोर्ड कर सकते थे, और हार्ली डेविडसन भी भारत के बड़े शहरों में प्रीमियम शोरूम्स के साथ सिर्फ अपर क्लास बायर्स पर ही फोकस करता रहा। पर 2016 से लेकर अगले 4 सालों तक भारतीय मार्केट में हार्ली डेविडसन बाइक्स की सेल्स लगातार घटती चली गई। 2016 में 4,708 यूनिट्स, 2017 में 3,690 यूनिट्स और 2019 में पूरे भारतीय मार्केट के अंदर सिर्फ 2,676 हार्ली डेविडसन बाइक्स ही बिकी। लो सेल्स और हैवी लॉसेस की वजह से फाइनली 2020 में हार्ली डेविडसन ने भारतीय मार्केट में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। पर ये हार्ली डेविडसन का सेटबैक नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। बदलते समय के साथ भारत और पूरी दुनिया में भी स्मॉल इंजन कैपेसिटी वाली प्रीमियम बाइक्स की डिमांड बढ़ रही है। मार्केट में ऐसे बायर्स काफी ज्यादा हैं जो एक प्रीमियम बाइक के लिए 2-3 लाख रुपए इजीली पे कर सकते हैं। रीसेंट ईयर्स में रॉयल एनफील्ड बाइक्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी इसका प्रूफ है, और इसीलिए दूसरी कंपनीज भी इस सेगमेंट में एंटर करना चाहती है। इसी रीजन की वजह से हार्ली डेविडसन ने 2020 में भारत की हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर अंडर 3 लाख की प्राइस पर एक पावरफुल एंड प्रीमियम बाइक X440 को डेवलप करना शुरू किया। '23 में भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में इसे लॉन्च करते हुए हार्ली डेविडसन ने एक बड़ा स्टेप लिया है जो उनकी पुरानी बिगर इज बेटर वाली फिलॉसफी से डिफरेंट है, पर समय की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये एक अच्छा स्टेप है। हार्ली डेविडसन X440 की डिटेल्स और सेल्स फिगर देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ली डेविडसन की उन बाइक्स को जो 2023 में अब तक सबसे ज्यादा बिकी हैं। 2023 के फर्स्ट हाफ में हार्ली डेविडसन ने भारतीय मार्केट में 18 फैट बॉय 114 बाइक्स बेची हैं। 1,868 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन वाली ये क्रूजर बाइक ट्रेडिशनल हार्लीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 94 HP की मैक्सिमम पावर और 155 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली ये बाइक सुपीरियर कंफर्ट और पावरफुल राइड एक्सपीरियंस के लिए बनी है। यामाहा R1, होंडा CBR 1000 और कावासाकी ZX10R जैसी 1000 cc स्पोर्ट बाइक्स जो ऑलमोस्ट 200 HP की पावर प्रोड्यूस करती हैं, उनमें भी टॉर्क 113-115 न्यूटन मीटर के आसपास ही होता है। 155 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ हार्ली डेविडसन फैट बॉय वो पावरफुल फील देती है जिसके लिए हार्ली बाइक्स जानी जाती हैं। फैट बॉय 114 की प्राइस है लगभग 25 लाख रुपए, और इसे वो ही खरीदते हैं जिनके पास मोटरसाइकिल राइडिंग का डीप एक्सपीरियंस और ढेर सारा पैसा होता है। नेक्स्ट है हार्ली डेविडसन स्पोर्टस्टर S, जिसकी 16 यूनिट्स भारत में बिकी है। ये एक मॉडर्न क्रूजर है जो काफी सारे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स और स्टाइलिश लुक्स के साथ दमदार परफॉर्मेंस ऑफर करती है। इस बाइक में 1,252 सीसी का वी ट्विन इंजन लगा है जो 121 HP की मैक्सिमम पावर के साथ 125 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फुल LED लाइटिंग, ब्लूटूथ इनेबल्ड TFT डिस्प्ले, लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ड्रैग टॉर्क क्लिप कंट्रोल जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के साथ हार्ली डेविडसन ने इसे काफी मॉडर्न बनाया है। You put the right people in the room and you get the right feedback from the customers. You know, you get the right kind of technology and the right kind of thinking, the right kind of mindset. Keep the soul in all the decisions and you get motorcycles like this that push all the boundaries and deliver that Harley Davidson experience. लगभग 21 लाख की प्राइस पर हार्ली डेविडसन स्पोर्टस्टर S हार्ली की न्यू एज बाइक है,
जिसे भारत में इस साल 16 लोगों ने चूज किया है। नेक्स्ट है फैट बॉब। 1868 सीसी के ह्यूज वी ट्विन इंजन और मॉडर्न स्टाइलिंग एलिमेंट्स वाली ये क्रूजर बाइक भारत में 12 लोगों ने खरीदी। 23 लाख की ऑन रोड प्राइस और 18 किलोमीटर पर लीटर माइलेज वाली ये बाइक दिखने में काफी स्टाइलिश लगती है। क्लासिक और मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज के यूनिक ब्लेंड और 3 कलर ऑप्शंस के साथ फैट बॉब की अपीयरेंस शानदार है। इसका ह्यूज 1868 सीसी वी ट्विन इंजन 93 एचपी की मैक्सिमम पावर और 155 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 43 mm अपसाइड डाउन फोक्स, 150x80 फ्रंट, 180x70 सेक्शन रियर टायर के साथ ये एक सुपर मस्कुलर बाइक है। नेक्स्ट है हार्ली डेविडसन रोड किंग, जो एक क्लासिक स्टाइल क्रूजर है। 18 इंच के V और 1746 सीसी वी ट्विन इंजन के साथ ये बाइक काफी मैसिव लगती है। लगभग 33 लाख की प्राइस वाली इस बाइक को भारत में 11 लोगों ने खरीदा है। नेक्स्ट है हार्ली डेविडसन नाइटस्टर, जो एक मॉडर्न क्रूजर है। फ्रंट में 19 इंच और रेयर में 16 इंच व्हील्स के साथ इसकी अपीयरेंस काफी कैची है। टैंक के नीचे मैट सिल्वर फिनिश में इसका 975 सीसी वी ट्विन इंजन और उससे निकलता एग्जॉस्ट बाइक को बहुत ही क्लीननेस के साथ हाईटेक लुक देते हैं। इसका इंजन 89 एचपी की मैक्सिमम पावर और 95 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 221 किलोग्राम वेट के साथ ये दूसरी हार्ली बाइक से हल्की है। नाइटस्टर की प्राइस है लगभग 20 लाख रुपए और इस साल भारत में से 9 लोगों ने खरीदा है। नेक्स्ट है हार्ली डेविडसन पैन अमेरिका, जो एक मॉडर्न एडवेंचर बाइक है। 2020 में लॉन्च हुई ये बाइक हार्ली डेविडसन की पहली एडवेंचर बाइक है। 19 इंच फ्रंट व्हील, 17 इंच रेयर व्हील, 175 mm ग्राउंड क्लियरेंस और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन के साथ 1252 सीसी वी ट्विन इंजन इसे काफी अच्छी ऑफ रोड केबिलिटी देता है। लगभग 27 लाख की ऑन रोड प्राइस पर ये एक शानदार बाइक है, जिसे भारत में इस साल अब तक 7 लोगों ने खरीदा है। I am the Pan America, forever exploring. एंड में है हार्ली डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड, जो एक हार्डकोर क्रूजर बाइक है। लार्ज फ्रंट एंड साइड स्टोरेज बॉक्स और कंफर्टेबल सीट के साथ ये बाइक लॉन्ग राइड्स के लिए बनी है। 1868 सीसी वी ट्विन इंजन के साथ इस बाइक में राइडर कंफर्ट के लिए काफी सारे फीचर्स हैं। इस बाइक की प्राइस है लगभग 42 लाख रुपए और इस साल भारत में से 6 लोगों ने खरीदा है। इन बड़ी और एक्सपेंसिव हार्ली बाइक्स को सिर्फ सुपर रिच लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, पर नई X440 मिडिल इनकम वाले बायर्स के लिए डिजाइन की गई है और इसीलिए अब तक इस बाइक की 25,000 बुकिंग्स हो चुकी है। हार्ली डेविडसन की इस लेटेस्ट बाइक में 440 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है, जो 27 bhp की मैक्सिमम पावर और 38 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दिखने में ये बाइक काफी प्रीमियम लगती है और 280,000 की ऑन रोड प्राइस पर काफी सारे भारतीय बायर्स इसे खरीदना चाहते हैं। भारत में बिकने वाली इन सभी हार्ली बाइक्स में से कौन सी आपको सबसे इम्प्रेसिव लगी, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू द नेक्स्ट वन।